देश भर में एक बार फिर कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 है। JN.1 तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल है। सरकार भी अपनी ओर से एहतियातन कदम उठा रही है, चेतावनी दे रही है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कोविड की लहर आ रही है, लेकिन कब तक? कब तक ऐसा होगा? क्या कोविड आने वाले सालों में खत्म नहीं होगा? इसी तरह से बीच बीच में वापसी करेगा? आपके मन में भी इस तरह के कई सारे सवाल होंगे। जिस तरह से बार बार कोविड के नए वेरिएंट आ रहे हैं, क्या कोविड से निजात नहीं मिलेगी? हेलो, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं News8 हिंदी ओरिजिनल्स। कोविड की वापसी को लेकर हमारे कई सवाल थे, जिस पर हमारी टीम ने अलग अलग डॉक्टर से बात की और उनकी राय ली। आइए आपको बताते हैं कि बार बार कोविड की वापसी पर डॉक्टर्स की क्या राय है। क्या कोविड से निजात नहीं मिलेगी? दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अनिल बंसल के मुताबिक, वायरस लगातार म्यूटेट करते रहते हैं और इस वजह से नए वेरिएंट आते रहते हैं। जब लोगों की बॉडी में किसी एक वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, तब वायरस अपना स्वरूप बदल लेता है और म्यूटेशन के बाद एक नया वेरिएंट बन जाता है। डॉक्टर अनिल का कहना है कि कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म होना संभव नहीं है। ये डेंगू और दूसरे वायरल फ्लू की तरह सदियों तक चल सकता है, इसलिए इससे बचाव करने में ही सबका फायदा है। डॉक्टर अनिल का ये भी कहना है कि हो सकता है कि वक्त के साथ कोरोना एक सीजनल फ्लू की तरह बन जाए। क्या कोविड महामारी फिर आएगी? नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सोनिया रावत कहती हैं कि कोरोना वायरस हमेशा के लिए तो खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो सकता है। जैसे लोग वर्तमान में फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं, डॉक्टर सोनिया कहती हैं कि वैसे ही कोविड की वैक्सीन लगवाने की जरूरत पड़ सकती है। भविष्य में इस वायरस से महामारी की आशंका काफी कम है। ये वायरस लोगों को संक्रमित करता रहेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर घातक नहीं होगा। क्या कोरोना भविष्य के लिए खतरा है? ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी कहते हैं कि कोरोना का वायरस लगातार म्यूटेट करता रहता है और इसमें कई वेरिएंट बनते हैं। कुछ वेरिएंट लोगों के लिए खतरनाक होते हैं, उन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है, जबकि कुछ वेरिएंट से लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है, तो उन्हें लेकर चिंता की जरूरत नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि कोरोना का वायरस लगातार म्यूटेट करेगा और भविष्य में कई खतरनाक वेरिएंट भी सामने आ सकते हैं। एक बार फिर सामने आएंगे खतरनाक वेरिएंट। डॉक्टर्स की माने तो आने वाले कई सालों में कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ सकते हैं, जिनमें कुछ खतरनाक भी हो सकते हैं। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कोरोना के कौन से वेरिएंट कितने खतरनाक होंगे और लोगों पर इसका क्या असर होगा। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना के साथ लोगों को जीना सीखना होगा और इससे बचने के लिए वक्त वक्त पर जरूरी कदम भी उठाने होंगे। कोरोना वेरिएंट से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए News8 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।